हेलो फ्रेंड्स, तो आ गए मैं एक और नई वीडियो के साथ। तो भाई मैं सोचा नहीं था यार कि परसों के वीडियो में आप लोग इतना ज़्यादा कमेंट करोगे। भाई 250 इतना मतलब 3-4 दिन के वीडियो मिला के भी इतना कमेंट नहीं होता जितना आप लोगों ने एक वीडियो में किया है। तो आप लोगों ने बहुत सारे चैलेंज दिए मेरे को और सबको कर पाना तो फिर मुश्किल है भाई, मतलब सब चैलेंज को कर नहीं पाऊंगा यहाँ पे। फिर भी मैं एक ही गेम में मैं ट्राई करूंगा, आप में से 3-4 लोगों का चैलेंज एक्सेप्ट कर लूँ। फॉर एग्जाम्पल कई लोगों ने बोला था एडम के साथ नो गन स्किन चैलेंज करो, तो फिर कई लोग बोले थे कि सोलो वर्सेस डुओ खेलो और बहुत सारे हैं। तो सबको अपन लोग थोड़ा सा मतलब मिला के चैलेंज को कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपना सभी गन स्किन को अनइक्विप कर देता हूँ, मतलब कि हटा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं पिस्टन वगैरह को नहीं हटाया हूँ क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं है। बाकी ग्लू वाल वगैरह सब चीज़ वैसा है कि वैसा है यार, मतलब सबको फिर इक्विप करना पड़ेगा, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके उतना को मैंने ट्राई किया है कि अनइक्विप कर दूँ। यहाँ पे देखोगे तो सारा गन मेरा अनइक्विप है, मतलब सारा गन स्किन मैंने हटा दिया। यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ शुरू से। तो यहाँ पे SMG में भी एक भी गन स्किन नहीं, यहाँ पे शॉर्ट गन में भी आप देख सकते हो। उसके बाद आता है स्नाइपर, तो इसमें भी हटा दिया। पिस्टन का मैं रहने दिया, उसका कोई वैसे भी काम ही नहीं है और बाकी सब चीज वैसा का वैसा ही है। अब ना मैं ट्राई तो किया हूं कि आप में से कई लोगों का चैलेंज एक ही गेम में मैं कंप्लीट कर पाऊं करके। अब यहां पे देखो कि सोलो वर्सेस डुओ खेल रहा हूं, वो भी एडम के साथ, उतने में मैंने गन स्किन भी ऑफ कर दिया। एक बंदा ने कमेंट किया था कि विदाउट वेस्ट हेलमेट खेलो करके, तो उसको भी अपन लोग इसमें कवर करने वाले। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला गेम ना मेरा फर्स्ट गेम था यार, इसमें मेरे पास हेलमेट वेस्ट नहीं था। अब यहाँ पे देखो कितना गंदा डैमेज पड़ता है भाई, विदाउट हेलमेट वेस्ट खेलोगे, ऊपर से करेक्टर भी नहीं है। इस वाले मैच में मैं 0 किल के साथ मर चुका था, मतलब अभी देखना भी इसमें मेरा माइनस लगता है। 2-3 गेम मैं शायद तक माइनस खाया था तब जाके चैलेंज कम्प्लीट हुआ था। अब ये देखो सेकंड गेम, इसमें भी मैं मर चुका था, इसमें 1 किल किया था और उसके बाद मेरे हाथों में मतलब शॉर्ट रेंज का गन ही नहीं आया। बंदे के पास MP5 था, मैं स्कार से हेड मारा लेकिन बंदा फिर भी बच गया। अब इसमें मेरा डेली मिशन था इसलिए 20 का प्लस मिला, बाकी फिर भी मेरे को 58 का माइनस लगा। तो फाइनली यार 2 गेम माइनस खाने के बाद मैंने फिर से तीसरा गेम भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन इस वाले गेम में मेरे साथ स्कैम हो जाता है भाई। चलो मतलब पता ही नहीं था यार कि मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा हूँ भाई, लिटरली बता रहा हूँ। लास्ट में जाके मेरे को पता चला कि मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा हूँ, जबकि मैं गेम स्टार्ट करने वाला था, मतलब मैं चैलेंज बनाने वाला था सोलो वर्सेस डुओ का। लेकिन पता नहीं कैसे 2 गेम माइनस खाने के बाद मैंने ग्रुप जो है डिसबैंड किया, उसके बाद फिर से रीस्टार्ट किया, उसके बाद फिर से 1 गेम लगाया ना, तो उसके बाद मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड लगा डाला भाई, गलती से लगा डाला। और ये बात ना मेरे को लास्ट में जाके पता चलता है भाई कि मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम खेल रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो 2 बंदे मेरे को आते हुए दिखे, अब ये दोनों अलग अलग आ रहे थे। तो यहाँ पे देखना एक बंदे को, इस वाले बंदे को मैंने MP5 से डाउन कर दिया हेडशॉट मार के। अब इस टाइम पे मेरे को ये लग रहा था कि ये जो सामने वाला बंदा है वो इसी का टीममेट ही होगा करके। अब यहाँ पे देखो एक लॉन्चर मारा सेम डायरेक्शन में, दूसरा लॉन्चर भी मैं मारा लेकिन भाई मेरे को डैमेज आ गया यार। ये मिनी लॉन्चर का ऐसा मतलब थोड़ा सा ग्लीच है या फिर क्या है मेरे को नहीं पता, लेकिन ऐसा होता ही होता है। तो यहाँ पे फिर से मैंने लॉन्चर मारा और ये वाला बंदा भी इस टाइम पे डाउन हुआ। तो इस टाइम पे मेरे को थोड़ा सा बिल्कुल भी डाउट नहीं आया, मतलब थोड़ा सा भी डाउट नहीं आया था कि ये सोलो वर्सेस स्क्वाड मैच है क्योंकि 2 बंदे डाउन हुए थे। इस टाइम पे मेरे को लग रहा था कि चलो ठीक है, ये अलग अलग बंदे भी हो सकते हैं क्योंकि एक बंदा गाड़ी से आया था तो दूसरा बंदा कहीं और से आया था, तो हो सकता है ये अलग अलग बंदे होंगे। तो फिलहाल इस टाइम पे मेरे 2 किल हो चुके थे। अब देखोगे ना तो जोन भी बन चुका है, चलो देखते हैं जोन कहाँ पे बने। अपने को जोन में जाके बैठना पड़ेगा और अच्छा खासा किल वहाँ से निकालना पड़ेगा। तो उधर टावर में मैंने मार कर लगा दिया, थोड़ा बहुत इधर से लूट वगैरह करते हैं, उसके बाद सीधा जोन में जाकर बैठते हैं। अब यहाँ पे मैं आया ना तो 20 बंदे अलाइव थे, मेरे को 10 किल प्लस भी करना था, तो इसलिए मैं टावर में बैठने का प्लान जो है कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे को किल भी निकालने थे। अब यहाँ पे सामने पोची नॉक के साइड पर रिवाइवल पॉइंट पे कोई बंदा अपने टीममेट को रिवाइव कर रहा था, तो सीधा मैं रिवाइवल पॉइंट की तरफ आ गया था गाड़ी लेकर, उधर से मतलब बुलसिया से गाड़ी लिया, उसके बाद डायरेक्ट इधर की तरफ आ चुका था। अब यहाँ पे भाई एक बंदा झाड़ी बना हुआ था, मतलब यहाँ पे मेरे को दिख गया, तो फिर डायरेक्ट मैं उसके वो कॉन्ग पे ही गाड़ी चढ़ा दिया। बंदा खत्म हो चुका था, अब ये लास्ट बंदा बचा था। अब यहाँ पे देखो एक बंदा मेरे पे फायर करता है, तो ये इसको मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ। उसके बाद ना यहाँ पे ये बंदा मेरे पे फायर करे जा रहा था, मैंने इसको डाउन कर दिया था 2 गोली मार के। अब इसका टीममेट जो है एक बंदा मेरे को झलक थोड़ा सा दिखा था, मतलब एकदम थोड़ा सा दिखा था, वो बंदा हवेली में है करके। अब यहाँ पे मैं मेडी वगैरह करने लगता हूँ, अपना वेस्ट भी रिपेयर कर लेता हूँ। अब आप में से कई लोग ये बोल रहे होंगे कि वेस्ट क्यों पहन रहे हो, आपने बोला था कि वेस्ट हेलमेट नहीं पहनोगे करके।
तो भाई इसी के चक्कर में मेरा दो गेम माइनस लगा था भाई। मतलब समझ सकते हो यार, बंदा तीन जीप वाला गन चला रहा है सामने से और आपके पास उतने में हेलमेट वेस्ट भी नहीं है, तो कितना जल्दी आप मरोगे सोच भी नहीं सकते। मतलब वेस्ट रहता फिर भी तीन जीप वाला गन एकदम ईजी मार देता है बंदे को भाई, और विदाउट वेस्ट हेलमेट, वो भी एडम के साथ। मतलब समझ सकते हो यार, एकदम से फायर करते साथ ही आप मर जाओगे, कोई वाल तक लगाने का मौका नहीं मिलेगा भाई, इतना फास्ट मरता है यार। मतलब मेरे को पता है, इसलिए मैं छोड़ो रहने दो और माइनस लगेगा करके ये वाला प्लान जो है कैंसिल कर देता हूँ मैं, और हेलमेट वेस्ट मैं पहन लेता हूँ। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला चैलेंज मैं भूल गया, उसको करूंगा जरूर, लेकिन सोलो में खेल कर करूंगा, सोलो में इजीली हो सकता है। तो यहाँ पे देखो एक और बंदा वेंडिंग मशीन पे था, इसको मैंने डाउन कर दिया। और अगर आपने नोटिस किया होगा ना, तो हवेली पे मैंने दो बंदे मारे, तीन बंदे मारे, लेकिन एक बंदा तो सिंगल बंदा बचा था, बाकी दो बंदे बचे थे। तो उस टाइम पे मेरे को बिल्कुल भी इसलिए डाउट नहीं आया कि मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा हूँ, क्योंकि वो दो ही बंदे थे, तो मेरे मन में भी डाउट भी नहीं आया कि ये सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम है, क्योंकि एकदम मेरे सिचुएशन के हिसाब से चल रहा था गेम जो है वो। मतलब मेरे को लग रहा था कि मैं सोलो वर्सेस डुओ गेम खेल रहा हूँ। अब यहाँ पे फिलहाल इस टाइम पे मेरे टोटल 6 किल हो चुके हैं, अभी मेरे को वो टावर में जाके बैठना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना वहाँ पे जोन अभी भी बना हुआ है। अब 16 बंदे 13 बंदे हैं यार, 16 बंदे अभी अभी बचे थे, अभी 13 हो गए। अब यहाँ पे टावर में मेरे को अचानक से एक बंदा दिखा, तो इसको मैं मारने के लिए इधर आया, बंदा एम ले रहा था भाई, मेरे को पता चल गया था कि वो स्नाइपर चला रहा है, इसलिए मैंने वाल लगा लिया था। लेकिन थोड़ा सा मैं लेट हो गया, उसका एक शॉट मेरे को खाना पड़ गया, उसका एक शॉट मेरे को पड़ चुका था इस टाइम पे, और गंदा डैमेज पड़ा था। अब यहाँ पे मैं ऊपर के साइड पे आता हूँ, और मेरे पास ये जो लॉन्चर है भाई, ये लॉन्चर मिनी लॉन्चर बोलता हूँ, एंटी मटेरियल लॉन्चर बोलते हैं, लेकिन मैं इसको मिनी लॉन्चर ही बोलता हूँ। अब यहाँ पे इसका कमाल देखना, मतलब किसी भी बंदे टावर वाले बंदे को तो यूं मार देता है भाई ये जो गन है वो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक शॉट मैंने उसको मारा, लेकिन उसको लगा ही नहीं। अब जोन भी आ रहा था थोड़ा थोड़ा, मेरे को जल्दी इसको मार के जोन में भी जाना था, तो यहाँ पे थोड़ा सा एम लिया, उसके बाद मारा, तो यहाँ पे मेरे को पता था कि वो बंदा उसको लग ही जाएगा, तो यहाँ पे और लॉन्चर मैंने मतलब छोड़ता गया। अब यहाँ पे एक शॉट का और बचा था बंदा, एक और लॉन्चर मारा, बंदा खत्म हो चुका था। अब ये भी लास्ट बंदा बचा था, देखो भाई ये भी लास्ट ही बंदा बचा था। तो अभी इस टाइम पे ना मेरे टोटल 7 किल हो चुके हैं। अभी मैं टावर में बैठने के लिए जा रहा था, क्योंकि मेरा 7 किल हो चुका है, 3 किल और करूंगा उसके बाद 10 किल हो जाएगा, और इजीली फिर लास्ट में बुइया ले लूंगा। ये सब प्लानिंग के साथ मैं ये टावर में बैठने के लिए आया, तो आराम से यहाँ पे अभी थोड़ा देर मैं वेट करूंगा, होल्ड करूंगा और बंदे मरने का। मेरा वाल देखो भाई, 20 वाल है इस टाइम पे मेरे पास। तो अगर आप भी मेरे को कोई चैलेंज देना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो कि आपका कौन सा चैलेंज है। लेकिन एक बात थोड़ा सोच के चैलेंज देना भाई, कि मान लिया जाए ये चैलेंज आप ही कर रहे हो और आपका स्कोर 30,000 है और आपको अपना माइनस भी नहीं करवाना है, तो किस हिसाब से आप मेरे को चैलेंज दोगे, ये थोड़ा सा सोच के चैलेंज देना इस बार। मतलब जो मर्जी आए वो मत बोल देना भाई, मेरे को अपना माइनस भी नहीं करवाना है, क्योंकि मैं रैंक भी मेरे को पुश करना है, और मैं सोच रहा हूँ इस सीजन में 50,000 या फिर 60,000 स्कोर करूँ करके, तो थोड़ा सा माइनस से भी अपने को बचना पड़ेगा। अगर चैलेंज वीडियो ही बनाना रहता, तब तो फिर पूरा दिन खेल के एक वीडियो रिकॉर्ड हो ही जाता यार, माइनस को कोई अगर टेंशन नहीं रहता तो। लेकिन फिर एक वीडियो बनाने के लिए, एक चैलेंज करने के लिए कितना सारा माइनस खाना पड़ता है भाई, तो तब जाके एक वीडियो रिकॉर्ड होता है। अब इस टाइम पे देखो, एक बंदे को मैं डाउन करके रखा हूँ, एक और दूसरा बंदा मैंने डाउन कर दिया था। अब इस टाइम पे मेरे को लग रहा था कि ये भी मतलब डुओ ही है, मतलब कि मेरे दिमाग में बिल्कुल भी ये नहीं आया था कि मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा हूँ करके। अब यहाँ पे एक बंदे को मैंने क्लियर कर दिया, अब मेरे को लग रहा था कि ये बंदा एक पेड़ के पीछे अभी भी बंदा है, ये बंदा और जिसको मैंने पहले सबसे पहले डाउन किया है, ये दोनों आपस में डुओ होंगे, मतलब दोनों आपस में टीममेट होंगे, और जिस बंदे को मैं ऊपर में डाउन किया हूँ ना, वो किसी और का टीममेट होगा। लेकिन यहाँ पे भाई, जब इस वाले बंदे को क्लियर करते साथ मेरे को ऊपर वाला किल भी मिला ना, तब मेरे को थोड़ा सा डाउट आया, क्योंकि देखो सामने एक बंदा मैंने डाउन करके रखा था, सबसे पहले जिस बंदे को मैं डाउन करके रखा था, अगर ये किसी और स्क्वाड का बंदा होता या फिर किसी और डुओ का बंदा होता, तो इसका किल वो बंदा पेड़ वाला बंदा चुरा सकता था। तो इसलिए ना मेरे को थोड़ा सा इस टाइम पे डाउट आया था कि मतलब ये मैच मेरा सोलो वर्सेस स्क्वाड मैच है या फिर मैं स्क्वाड में खेल रहा हूँ, ऐसा करके मेरे को थोड़ा सा डाउट आया था। लेकिन मैं 100% इस टाइम पे भी कंफर्म नहीं था कि मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड मैच ही खेल रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो भाई, मतलब इतने ज़्यादा बंदे बचे भाई, इतना छोटा सा जोन है, 8 बंदे अलाइव है भाई, मेरा इस टाइम पे 11 किल हो चुका है। अब यहाँ पे देखो, इधर के साइड पे, घर के साइड पे भी दो बंदे मेरे को दिखे, इतने में एक बंदा मेरे पे डायरेक्ट रश ही कर देता है और इस टाइम पे मैं मर जाता हूँ, ये लोग मेरे को मार देते हैं। अब जब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इनको ना भाई, तब मेरे को पता चलता है यार कि मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा हूँ, वो भी इतने मतलब खतरनाक सिचुएशन में। मतलब मेरे पास ना तो करेक्टर है, ना तो गन स्किन है, और उसके बाद भी मैं 11 किल कर लिया भाई। और ये जो बुइया लिया ना जिस स्क्वाड ने, वो सारे के सारे बंदे ग्रैंड मास्टर प्लेयर थे। रिसेंट से मैं बाद में जाके देखा, अगर शुरू
देख लिया होता तो फिर आपको रिकॉर्ड करके दिखा भी दिया रहता, और इसमें मेरे को पूरा प्लस मिल गया भाई। मेरे को यकीन ही नहीं होता कि मैं 11 किल करके ऐसे सिचुएशन में मतलब फुल प्लस ले लिया। हालांकि मैं बुइया कर नहीं पाया, टॉप 3 आया था, 15 स्क्वाड आया था, इसलिए पूरा प्लस मिला। तो फिर यही था आज का वीडियो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको दिल से धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।